अस्सलाम वालेकुम प्रदेश स्क्वाड, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हैं। आई हैव विद मी द वन एंड ओनली द सेक्सी द बीस्ट ओके सो टुडे हम करने वाले हैं वो क्या कहते हैं स्नैक टेस्टिंग एक्सपायर्ड तो नहीं जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो तुझे कौन सा फर्क पड़ता है भाई आपका लेके आया स्नैक्स जो के यूके इम्पोर्टेड हैं। अच्छा अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। बिफोर वी ट्राई द स्नैक्स आई जस्ट वांट टू नो कि तू कहाँ गायब है यार। वो तो मैं तेरे से पूछना चाह रहा कि तू कहाँ गायब है। आई लव यू माय बेस्ट फ्रेंड आई लव यू। भाई फुल बुल्ला मोड में था। और बाय द वे इफ यू डोंट नो डकी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बुल्ला। Is it safe to say कि ये तेरा पहला debut है as an actor? हाँ, वो पहला। That was your very first ना? हाँ। और मुझे पता है भाईजान comments में यही आने वाले हैं कि वह जो है किधर बुल्ला believe me आपको पता है कुछ complications हो गए थे with my family and all so I had to literally stop everything लेकिन everything is going back on track तो अभी हम post production shooting हो गई है। अच्छा बस post production का काम हो रहा है और इंशाल्लाह it's coming very very soon। good luck यार। thank you। तो शुरू करें चल ठीक है। मैं आपको जो खिलाने लगा हूँ it's called Maryland mini cookies। वो अच्छा cookies हैं। आ छोटी छोटी cookies हैं तो इसको आप try करें और भाई को बताएं तो खोल दे कैसे रहा है। एक और खा रहा हूँ। क्या इच्छा इस प्रकार की बचकाना बातें। नॉट बैड यार, गुड है। तो रेटिंग क्या दे आउट ऑफ 10? 8 जैसे, लेकिन फ्लेवर अच्छा है लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे हम तस्वीरों में दिख रहे हैं। ओके वरना अब तू बहाने बहाने से एक बार बता रहा है मुझे सब पता है। सो नेक्स्ट मैं आपको खिलाऊंगा इट्स कॉल्ड हुला हूप्स। दिखा हुला हूप्स। सो बेसिकली ये चिप्स हैं। अच्छा ठीक है, इधर चिप्स ही कहते हैं ना आई थिंक। चिप्स हाँ, जो चिप्स कहते हैं यहाँ पे। सो इधर चिप्स कहते हैं, उधर हम लोग क्रिस्प्स कहते हैं। सो दिस इज हुला हूप्स। गोल गोल है। हाँ खोले। एडिक्टिव। अंदर ज्ञानी। नमकीन। हाँ नमकीन और क्रंची। यस वेरी क्रंची। थोड़ा सा सख्त है। हाँ सख्त तो तुझे पसंद है ना। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। तो बस कर दे और भी स्नैक्स। तो इसकी क्या रेटिंग है? 7 out of 10। थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होता ना, थोड़ा मतलब मुंह थक जाता। ओके सो द नेक्स्ट आइटम इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फिजी वांड्स। का क्या मतलब है? So basically it's like jelly type। ओए मुझे देखने से ना आइडिया हो गया क्या है। और इट्स शुगर कोटिंग के साथ, इट्स लाइक थोड़ी सी खटास मिठास और प्लास्टिक, मतलब इलास्टिक की तरह का। ये शरारत क्या वो खींचना मैंने किया है। इट्स नाइस, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चीजेस। मैं तो फील करूं थोड़ा। सही है यार। आई नहीं फीलिंग अभी। मुझे बता दी जब फीलिंग आए तुझे। सही है। ओके खट्टा ज्यादा है। मुझे जो लगा है तुझे शुरू में फ्लेवर अच्छा लगा है, एंड पे आके तूने कहा नहीं यार। ऐसे ही ओके। शुरू में जब मैंने खाया ना फील अच्छी है, टेस्ट में थोड़ा खट्टा थोड़ा ज्यादा है। ओके फॉर यू इट्स खट्टा। मी पर्सनली मुझे पता है ये खट्टा है लेकिन मुझे वो एक मजा आता है, मजा आ रहा है खटास में। सो रेटेड आउट ऑफ 10 6। ओके ओके इंटरेस्टिंग। ओके तो मैं अब आपको खिलाऊंगा स्ट्रॉबेरी। सो स्ट्रॉबेरी लेस वही चीज है विद आउट कोटिंग। कोटिंग नहीं है खट्टा ही। ओए होए होए इट्स लाइक लेसेस बेसिकली। इसमें हम सुंडियां ज्यादा लग रही है। हे ये देख रहे हो
ये ज्यादा अच्छा है। ये मैं स्कूल वाले दिनों में बड़ा खाया था। ये खुला मिलता था। अच्छा, ये खुला मिलता है बेसिकली आपको 5 रुपए का 10 रुपए का खुला भी मिलता है। टक शॉप्स पे ना। अच्छा ओके 8/10 लंबा लंबा है ना तो मुंह में जाके भी थोड़ा वो नूडल वाली फीलिंग करो थोड़ा डिफरेंट। ओके दिस ओए यस फाइनली इज अच्छा तुझे पता है इसके बारे में? नहीं नहीं मैं का फाइनली चिप्स आ गए। अच्छा मैंने कही यार सो दिस इज पर्सनली माय फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट चिप्स चिप्स इट्स कॉल्ड सेंसेशंस एंड इट्स चिली थाई स्वीट चिली फ्लेवर। अच्छा हां 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 है पोटैटो चिप्स है। हां हां वेरी गुड लेकिन आई थिंक तुम्हें ये बहुत पसंद है। एक सालन वाली तुम्हें थोड़ी सी फीलिंग आएगी। सब्जी का सालन। हाँ हाँ अच्छा फ्लेवर है। इट्स गुड ना चुबाई जाओ ना तो और भी फ्लेवर आ रहा है। हाँ हाँ दिस इज 8/10 8/10 अच्छा गुड है सो इट मींस इट्स रियली गुड। ओके एक और चिप्स आया चल। ओके सो दिस वन इज कॉल्ड वॉकर्स वैंकर्स वैंकर्स फॉर ऑल द हेटर्स आउट देयर दिस इज वैंकर्स फॉर यू वॉकर्स फॉर अस। अच्छा सो बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट प्रॉन्स लेज लेज का ये बेसिकली वर्जन वो कॉपी भी किया हुआ है लोगों हां ऑन पता नहीं अब किसने किसको कॉपी किया है। वेरी इंटरेस्टिंग फ्लेवर इट्स कॉल्ड प्रॉन कॉकटेल। बहुत ही तेज तरीन फ्लेवर लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी और टेस्ट भी इधर यू लाइक इट और यू हेट इट बेसिकली ये वो वाला सीन। अच्छा सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि डक्की को ये पसंद आता है कि नहीं। स्मेल भी बेहतर है। ओह केचप केचप सिमिलर टू केचप लेकिन नॉट एग्जैक्ट लाइक वो केचप टैंगो आते हैं लेयर्स के उस तरह का फ्लेवर है। अच्छा क्या नाम है? लेयर केचप टैंगो। अच्छा आई हैव टू ट्राई बिल्कुल सेम डिटो। दिस इज योर काइंड ऑफ टेस्ट या नहीं? नो यू वांट इट खा लूंगा बट अगर मूड हो इसका। हाँ ये मूड वाला अगर कुछ भी ना हो इसके अलावा फिर खा ले तो बंदा भी खा ले। 6 ओके सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेमन एंड लाइम ये फ्लेवर है। Once you open it, आप थोड़ी सी पिचकारी फेंको और मिक्स करो पी जाओ। अच्छा पानी में मिला के पी। हाँ पानी में मिला। स्मेल जूसी जूसी वो वाला फ्लेवर है। Either you like it or you don't। अच्छा ये थोड़ा सा नींबू तो पसंद है मुझे नींबू डिलीटेड ड्रिंक्स मुझे अच्छे। हाँ क्योंकि कईयों को नहीं पसंद आता वो फ्लेवर। छोटी सी पिचकारी जैसे कि आपने देखी ये जैसे दूध छो रहे हम इतना किस तरह निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा ना निकल जाए तो फ्लेवर ना खराब हो। शायद सो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा डाला है और ये बेहतरीन फ्लेवर बन गया फुल ऑफ फ्लेवर। लिटरली इतना सा डाला है और वो यू लाइक इट सो गुड नाइस इट्स रिफ्रेशिंग लाइक वो आर्टिफिशियल शुगर का टेस्ट नहीं आता है इट्स लाइक फ्रेश आप पी रहे हो। बाकी मतलब ऐसा लग रहा है कि लेमन और चीनी का मिक्सचर है ना। बाकी सो इस छोटे सेशन में आप आई थिंक 30-35 ग्लासेस आप निकाल सकते हो छोटे सेशन में। सो इट्स क्वाइट गुड फॉर ट्रैवलिंग स्पेशली ये बड़ा अच्छा है जबरदस्त है। मैं इसको हमेशा अपने बैग में रखता हूँ। ठीक है मजा आया। क्या रेटिंग देगा? 9/9 ओके सो यू रियली लाइक इट। भाई तुझे पता है कि मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है तुझे भी पसंद है लेकिन मसला ये है कि आई डोंट नो मुझे लगता है कि अभी तक पाकिस्तान में किसी ने उसको पॉपकॉर्न नहीं बनाया। हाँ पॉपकॉर्न नहीं बनाया कि वो एक पॉपकॉर्न होता है ना वो एक रिच वीआईपी पॉपकॉर्न। बस ये तू ट्राई कर दिस इज टॉफी फ्लेवर। ओ अच्छा मीठे वाले। हाँ टॉफी फ्लेवर है लेकिन
इधर इधर की तूने टॉफी वाले खाए? हाँ हाँ, नॉट बैड है वो भी, इट्स नॉट बैड, लेकिन जो ये खा के दे ऑनेस्टली तो मुझे बता रहा है कि क्या फर्क है कि नहीं, मुझे फर्क लगता है। पहले मैं खुद खा के दे रहा हूँ। हाँ अच्छे वाले लाइक बड़ा बैलेंस्ड है, पॉपकॉर्न का क्रंच भी और उसका फ्लेवर भी, वो फ्लेवर भी क्रंच दे रहा है। हाँ यार ये तो है ना मजेदार, ये तो वाकई डिफरेंट है यार। लेकिन ये दिस इज अ न्यू, ये बहुत ज्यादा है यार, ये 9.5 आउट ऑफ 10। ओह शिट रियली, ये पर्सनली मुझे नहीं पसंद। अच्छा, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा हाँ, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, सो आई अस्यूम तुम्हें भी बहुत पसंद आते हैं। यार तू हर पैकेट यार ऐसे क्यों खोलता है? इतना इजी है, बहुत इजी है। इट्स नॉट यार कुकीज नहीं है, इट्स लाइक अ मिनी बिस्किट विद शुगर समथिंग ऑन इट, पता नहीं क्या है, बहुत मीठा है। आई डोंट नो, तुझे शायद पसंद है। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे यार, भूल गया मैं, बहुत है खा पूरा निकल यार ना, क्या मुझे अच्छा लगे, मतलब आई गेट इट के थोड़ा ज्यादा मीठा है, कुछ ज्यादा मीठा है, कोटिंग बहुत मीठी है, कोटिंग बहुत, आई थिंक दैट्स व्हाई बच्चों को बहुत पसंद आया, क्योंकि एक्सट्रीमली मीठा है, लाइक जैसे केक पे आइसिंग नहीं होती लाइक वो वाला है। सो व्हाट वुड यू गिव दिस रेटिंग? 8 8 ओके, मजा आया, काफी पसंद आया। आई डोंट नो, मैंने इधर नहीं नोट किया, लेकिन उधर अक्सर हर लाइक कोई भी खाने वाली चीज होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने कैलोरीज है। तूने नोट किया है? मैं वही मैं देख रहा हूँ, हर पैकेट के ऊपर तकरीबन हर चीज के ऊपर अब कैलोरीज लिखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज 83 कैलोरीज इन दिस होल पैकेट, एटलीस्ट यू नो के जब आप स्नैक खा रहे हो आप कितने कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, तो ये बड़ा जबरदस्त है। ओके, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बिस्किट्स, बेसिकली ये जैमी डॉजर्स जिसे कहते हैं, जैम हार्ट्स पाकिस्तान में मिलते हैं। हाँ अच्छा, सो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट होगा कि जैम काफी छोटे हैं ये। हाँ बड़े वाले भी मिलते हैं, ये बेसिकली उनके बच्चे हैं, तो इसका जैम बहुत मजेदार है। सिर्फ मिड पे जैम है वो? हाँ। क्रीम भी है मिड? नहीं नहीं क्रीम नहीं। अच्छा सिर्फ जैम है? सिर्फ जैम। एक सेकंड मैं खोल के देख लूं पहले। आप देख सकते हैं कि दरमियान में जैम है और इसका बिस्किट भी बड़े मजेदार है। जिनको चाय के साथ कुछ खाना ना, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हद तक बस जुबान में हल्का सा मीठा चाहिए, वो अच्छा है। मैं चाय के साथ बहुत खाता हूं। गुड है, सॉफ्ट भी है। हां सॉफ्ट भी है, जैम का टेस्ट भी है, थोड़ा खट्टा भी है, मीठा भी है, कंबाइन। मीठा थोड़ा ज्यादा है लेकिन थोड़ा खट्टापन भी है उसके अंदर। गुड है, क्या रेटिंग देगा तू? दिस इज 8 8 ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स कॉल्ड कैरमल लॉग। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये हमारे गांव से है, बेसिकली ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये एक्चुअली बनती है, फैक्ट्री है। मेरा एक और चीज जो काफी फेमस है उधर की, वो है आयरन ब्रू। आयरन आयरन ब्रू, तो जैसे इधर काफी मशहूर है पाकोला। अच्छा पाकोला की तरह उस तरह का है, लेकिन सुना हुआ है मैंने, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है, लाइक उनका अपना ड्रिंक है। इट्स लाइक स्कॉटलैंड में कोक फेमस नहीं है, आयरन ब्रू ज्यादा फेमस है। अच्छा, सो इट्स लाइक देयर ओन ड्रिंक, वो भी उधर ही बनता है। तो जैसे वो फेमस है ये, वैसे ही ये भी फेमस है, इट्स लाइक अ वेफर बिस्किट। अच्छा बिस्किट, हां मजे का लग रहा है। ओए होए, ये वो पर्क की तरह की लग रही है। सो सेक्सी यार, ये बहुत है, खा लूं पूरा। हां अच्छा, इसकी पैकिंग ऐसी है कि बहुत वीआईपी नहीं है, सादा सा, सादा सा है, लेकिन फ्लेवर भाईजान फुल है। दिल खुश हो गया, मूड फ्रेश हो गया। इसलिए ये मैंने लास्ट पे रखा। तो ये लास्ट है? इसलिए मैं तुझे पूरा खाने दे रहा हूँ। ये 10 आउट ऑफ 10। ओह ये 10 आउट ऑफ 10 है। ओके, ये वाकई बहुत है। ग्लासगो 10 आउट ऑफ 10 मुंडे ने देता है। लाइक तुम्हें क्या चीज पसंद है इसमें? क्या यार द चॉकलेट या मिक्स से क्रंची भी है और चॉकलेट बहुत थिक है। थिक वाली चॉकलेट, वो कंजूसियों की तरह नहीं रही। हाँ लाइक ऊपर से बस हल्की सी लेयर, वो नहीं है, प्रॉपर फील है। और जब आप चुबाओ चुबाओ ना, तो वेफर के साथ चॉकलेट मिलके वो जो सॉफ्टनेस जो आप चुबाई जाते हो ना, आटे की तरह की, वो
और फ्रेश वेफर. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट जामीशीरी, ये उधर की जामीशीरी है. हाँ, इट्स कॉल्ड रॉबिन्सन्स, जो कि आई डोंट नो पाकिस्तान में मिलती है, ऑब्वियसली इंपोर्टेड होगी अगर मिलती होगी, लेकिन वाटरमेलन फ्लेवर. दिस इज अमेजिंग, दिस इज सो सेक्सी. ये जो फ्लेवर है ये है वाटरमेलन विद स्ट्रॉबेरी मिक्स. अच्छा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी फ्लेवर्स हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्लेवर्स. ये मेरे घर में बहुत पीते हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, मैं बहुत शौक से पीता हूँ. यार पाकिस्तान में ना चीनी डाल रहा है, उन्होंने इतना थिक किया होता है वो सिरप जो है कि वो असली फ्लेवर नहीं उन्होंने डाला होता, वो चीनी की वजह से उन्होंने जो है ना मीठा किया होता है. अच्छा, कलर भी नहीं है ऐसा. हाँ, कलर भी नहीं है. स्मेल करें पहले. ओह, लेकिन आई थिंक थोड़ा एक थोड़ा और फ्लेवर डाल, थोड़ा सा, थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं डालना चाह रहा क्योंकि वो ओवर किल हो जाएगा. गुड, बिल्कुल. जब शुरू में पी ना तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो थोड़ा मुंह में जाता है ना, मुंह में जाता है ना, तो फिर पता लगता है मुंह में गया है. क्या बोलिए मैंने. समझ रहे हो, समझ रहे हो, रिफ्रेशिंग है. मतलब आई थिंक तुझे शायद वो लेमन वाला ज्यादा. हाँ, लेमन वाला फिर अच्छा. हाँ, दिस इज 7 ओके. हाँ, मतलब कह सकते हैं कि थके थके आओ ना कहीं से, ये पी लो, एक ग्लास दिया जाएगा, दूसरा शायद मैं ना पीऊं. तो देख रहा है खाली हो गया, खाली है इस बंदे ने, ये फिर भी शॉपर की तरफ इसकी नजर पड़ रही है. दिस वन चॉकलेट जो मुझे बहुत पसंद थी, अब तो खैर पता नहीं, जुबली, जुबली, हाँ, जुबली, जुबली टाइप ही है. जुबली वॉज 5 रुपए की थी मेरा ख्याल, अब 20 की हो गई. और वो अब 20 की हो गई. शिट, मतलब 20 वाला भी मिलता है, 10 वाला भी मिलता है. वो वीआईपी चॉकलेट होती थी, लाइक जब हाँ हाँ ईदी पे पैसे मिलते थे ना, तो भाई फिर वही लेता था, जुबली है, दो पैकेट जुबली. तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, काफी लोग कह रहे थे भाई कि आप दोनों की जोड़ी ऐसी है जैसे शाहरुख खान एंड काजल. तो लोग कह रहे थे यार आप वीडियो नहीं बना रहे, टिकटॉक रिएक्शन वाली. इफ यू वांट टू सी अनदर टिकटॉक रिएक्शन लेट अस नो. यार टिकटॉक रिएक्शन मजेगी. हाँ, टिकटॉक रिएक्शन बनाने भी बहुत मजा आता है बनाने. हाँ, जेन्युइनली जेन्युइनली हमारा रिएक्शन निकलता है, कुछ हम लोग स्क्रिप्ट नहीं करते. इट्स ऑल नेचुरल. हाँ, ऑलराइट गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ठीक है, और ख्याल रखना अपना. साइनिंग ऑफ कीजिए इन Yeah, in the walk. 30 hours.